सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और बड़े स्मार्ट भी लग रहे हैं। ये देखिए एंकरिंग के लिए तैयार हैं प्रीति और दिव्या। At this meeting again, after a moment or a lifetime, is certain for those who are friends. Good afternoon, everyone. I would like to extend a warm welcome to our principal, ma'am, manager, sir, all my teachers, and all our knowledge staff teachers. And most important, new friends whom we might have forever today. Today, you will cry or even smile, but forgetting these moments, you dare not to cry. By the way, Ashish sir, अगर मेरे से इस sentence में कोई भी गड़बड़ हो गई हो, tense गड़बड़ हो गया, तो please करके मुझे माफ कर दीजिएगा। जैसे कि मुझे पता है कुछ लोगों ने तो इंग्लिश में ध्यान ही नहीं दिया होगा और कुछ लोगों ने तो सुन के भी अनसुना कर दिया होगा, तो रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम और मेरे, चलिए आप स्कूल ज्वाइन करते हैं, मम्मी लोग ड्रेस वगैरह खरीदती कि नहीं खरीदती? तो भाई हमारी मम्मियाँ कभी भी शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, बोलती है ना बेटा दो साइज बड़ा जरूर लेना पड़ेगा, दो साल तक चलानी है वो टी शर्ट। नहीं नहीं भैया, ये वाला नहीं, दो साइज बड़ा दिखाना। मम्मी फिर से दो साइज बड़ी सर, सब स्कूल में मजाक उड़ाएंगे मेरा। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तुम्हारा, और वैसे भी सबकी मम्मियाँ स्कूल की साइज, स्कूल का सर सिर्फ दो साइज बड़ा ही लेती है, और एक साल रुक जाओ उसके बाद फिट भी हो जाएगा। सबका तो पता है, बट हमारे स्कूल में तो और हमारी मम्मियाँ हमेशा हमारे लिए दो साइज बड़ी ही शर्ट दिलाती है। आप लोगों का क्या है? स्कूल हमारी लाइफ का एक ऐसा पल होता है जो हमारी लाइफ का बहुत ही मेमोरेबल डे होता है। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। हम एक क्लास के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप लोग एक क्लास के अंदर जा रहे हैं, और जैसे आप उस क्लास के अंदर घुस रहे हो आपके सामने बड़ा सा ब्लैक बोर्ड आता है जो होता तो ग्रीन कलर का है, पर सब उसे ब्लैक क्यों कहते हैं ये हमारी समझ में तो नहीं। भाई किसी को पता है ग्रीन कलर का ब्लैक बोर्ड होता है उसे ब्लैक बोर्ड क्यों कहते हैं? और वैसे ब्लैक बोर्ड के आगे एक टीचर की चेयर और कुर्सी रहती है, और टेबल उसको कैसे भूल सकते हैं? उस टेबल पर हमेशा से चॉक, कैलेंडर, फ्लावर, पेन और पेंसिल पड़े रहते हैं, और उसके पीछे चेयर रखी रहती है जिसमें पता नहीं बच्चों को क्या सवाल होता है कि टीचर की चेयर पर जाके बैठ जाते हैं। पीरियड जैसे खत्म होता है, 5 मिनट का ब्रेक होता है, उसको चेयर पर जाके ऐसे बैठते हैं जैसे टीचर की चेयर नहीं बल्कि क्वीन एलिजाबेथ का सिंहासन और अपने क्यों सवाल का जवाब ढूंढते हैं, तब तक हम अपने पैर
एक सेकेंड ना सर, टाइम लगेगा। Yeah.
वही तो
किताब खोल के पढ़ाई कर लो, मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे, चल कॉपी चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पे टीचर्स के द्वारा किसको बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट परफॉर्मर चूज किया गया है उसी को कलेक्ट करते हुए। मेरे बच्चों, मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि जीवन में जो चीज सरलता से मिलती है ना, उसमें बहुत सारे दोष रहते हैं। जो कोई भी चीज है जो सरलता से मिलती है वो दोषपूर्ण जरूर रहती है, उसमें कुछ ना कुछ दोष है। जो चीज परिश्रम से मिलती है उसमें बहुत मिठास है। तो इस चीज को हमेशा गांठ बांध के रख लो कि परिश्रम का फल जो है हमेशा मीठा होता है। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी पहली बार, क्योंकि हाई स्कूल में आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ कोरोना की वजह से, और आपके इंटरनल मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको मार्किंग मिली थी और पास हुए थे। ठीक है, तो एक तो घबराना नहीं है, और आपके टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत आपके पीछे की, और जिस मेहनत और लगन से उन्होंने आपको पढ़ाया है आप भी उसी मेहनत और लगन से आगे पढ़िए और अपने रिजल्ट को अच्छा बनाइए। ठीक है, आप अच्छे से कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद नहीं पूरी आशा है कि आप अच्छा करेंगे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉप लिस्ट में अपना नाम जरूर लाएगा। तो आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरिए, ठीक है, आप मेहनत कीजिए और अच्छा आप कर पाएंगे। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। और यहाँ पे केसव सर्व करते हुए भैया लोगों को मिला नहीं था। और यहाँ पे सभी एंजॉय करते हुए अपने अपने समोसे का मजा ले रहे हैं। उसको भी दो अब बहुत ही बढ़िया सर्विस बच्चों की, देखिए गर्ल्स अलमारी के पीछे। और ये हैं हमारे होस्ट यहाँ पे बैठे हुए, ये सारे एक कोने में बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। गर्ल्स वो साइड और बॉयज़ है इस साइड, ये हमारी होस्ट पार्टी है सारी, ये देखिए। और सर्विस भी बहुत अच्छी है इन लोगों की, सबको इन्होंने फटाफट सर्व कर दिया। 10 रुपए प्लेट है।
जिसने खानी हो आज, तब तो सस्ती है, 10 रुपए प्लेट तो है भाई। सो आज फेयरवेल की बेस्ट परफॉर्मर है अंकित भैया, अंकित कुमार, वेरी गुड। ये वाला बेस्ट स्टूडेंट आदित्य भैया, अब तुमने डांस करना मुझे पता ही है, लेके तैयार तो सुनो पहले उसके लिए ना भी जो है उस समय केवल 5-7 मिनट के लिए है ना। देखो एक तो देखो पहले क्या है, पहले मेरी बात सुनो पहले उसका मैं बता। 2 बज गई, एक तो 2 बज गया है, बारिश आने वाली है बहुत तेज, पहले ये दे देंगे सर तब डांस कर लेंगे। हाँ चलो आज और एक किनारे से जाओ उधर लो। पसंद का गाना लगाते हुए के लिए दही और चीनी मुंह मीठा करने के लिए, और ये तिलक है विदाई के लिए, और अभी बच्चे नाचने में ही मस्त हैं। सर जी यहाँ पे इनको विदा करते हुए टीका कर रहे हैं, और ये खिला रहे हैं इनको दही और बताशा। शुभकामनाएं शुभकामनाएं। आ जाओ खासा बना के, आओ आओ बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। मुंह पे डालते भाई। वेरी गुड, शुभकामनाएं तो दो उनको, बेस्ट ऑफ लक तो बोल लो कम से कम। ये तो मुंह मीठा है, कुछ थोड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा।
मास्क के अंदर कहीं बिरयानी अपना मुंह तो नहीं खोल रही बिरयानी पता चला एक तरफ से दे रही एक तरफ से फिर खा रही है। बोलो भाई बेस्ट ऑफ लक तो बोल लो। खा लो मुंह में डालो भाई। चलिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। चलो बाकी तुम खा लो काट के। अब जितना बच गया नाइन्थ वाले खा लो उसको। और सब अपने अपने ग्रुप में देखिए। और यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट, ये देखिए। और आज के वीडियो का एंड करते यहीं पे। यदि आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और यदि आप पहली बार चैनल में हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।